मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जिला कार्यालय पर भव्य रूप से एक केक सेरेमनी यहाँ मनाई गई है। बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है। मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के नेतागण मौजूद हैं, युवा भी हैं और वरिष्ठ भी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का उत्साह है अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जाए। आज देख रहे हैं, आज हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बड़ा कार्यालय पर धूमधाम से आप देख रहे हैं, बड़ी भीड़भाड़ के उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है। अभी 45वें जन्मदिन पर उनकी 45 किलो की केक काटी गई है और आज हम पूरी जनता की, हमारी सबकी दुआएं और शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके संघर्ष में साथ हैं। उन्होंने जिस तरह पिछले अपने कार्यकाल में जनहित में जो कार्य किए हैं, विकास के जो कार्य किए हैं, जनता के सुविधाओं के लिए जो उन्होंने उपलब्धियां कराई हैं, उन सभी के लिए फिर आशा कर रही है जनता। जो वर्तमान में जो सरकारें हैं, उनके वर्तमान में जो सरकार हैं, उन सरकारों की कार्रवाई को देखते हुए जनता के उत्पीड़न की जो आप देख रहे हैं, चाहे वो GST का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, किसी क्षेत्र पर सरकार विफल हुई है। इसलिए पुनः जनता ये चाहती है कि माननीय अखिलेश जी द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और एक दिन वो आए। हम सबकी शुभकामना दुआएं हैं कि वो केंद्र में जाकर के सरकार बने हमारी समाजवादी पार्टी की और माननीय अखिलेश यादव एक दिन प्रधानमंत्री बने, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। प्रधानमंत्री बने ये सपना भी है और शायद जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ ये लोग अपना समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पूर्ण भरोसे के साथ यहाँ जो सेरेमनी है, जो केक सेरेमनी है, उसको आयोजन किया। मेरे साथ में केदार सिंह चौहान है, वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व की बात करें तो आप राष्ट्रीय लोकदल में रहे लेकिन समाजवादी की विचारधाराओं से जुड़े, कहीं ना कहीं आप किस नज़रिए से देखते हैं आप समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ के आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का 45वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैंने अपने जीवन में हमेशा किसान नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह को माना। उसी स्कूल से पढ़ के मैं निकला और कहीं भी पूरे देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो किसानों के हित में काम करे। मैं किसानों के और गरीबों के और सभी समुदाय के जो लोगों के हित में काम करने वाले अखिलेश जी की आस्था लेके मैं उनके साथ शामिल हुआ और आज मैं हमेशा विरोधी पार्टियों में ही रहा हूँ, विपक्ष में ही मैंने भूमिका निभाई है। आज भी मैं विपक्ष में हूँ। पिछली जब इनकी सरकार थी तब मैं लोकदल में था, आज भाजपा की सरकार है तो मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। हम लोग जो है विपक्ष में रह के पूरी बात कर सकते हैं। आज जो है अखिलेश का आने वाला समय, जो अखिलेश का हो रहा है और आगे आने वाला समय अखिलेश का ही होगा। आज लोग त्राय त्राय कर रहे हैं, भाजपा की स्थिति देखी, अभी मैंने सुना है अभी फोन आए थे लोगों के, लाठीचार्ज हो रही है। क्या GST आपने लगाई है, किसके लिए? मतलब ये जब किसान ही आपसे नाराज है, व्यापारी किसान की हालत देखी आप आलू की, पूरे जो है जिले में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह आलू फेंका जा रहा है, इससे और दुर्दशा क्या हो सकती है? मैं गांवों में जब निकलता हूं, क्यों ग्राम में मैं हमेशा राजनीति करता हूं, किसान यूनियन में रहा मैं 15-20 साल, उसके बाद लोकदल में रहा 20 साल, उसके बाद आज यहाँ आया हूँ। गांवों में जाके आज जो है लोग भाजपा से त्राय त्राय कर रहे हैं। आने वाला समय जो अखिलेश जी का होगा, चाहे 2019 हो चाहे आगे हो, समय अब समाजवादी पार्टी का यहाँ रहा है, यही होगा। मुझे बहुत जो है अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आके, जो मैं समाजवादी पार्टी में आया मुझे बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है और मैं सब लोगों के साथ यहाँ कार्य कर रहा हूँ। अपने अपने सभी के विचार हैं। मेरे साथ में एक और युवा नेता कह लीजिए, वरिष्ठ नेता कह लीजिए, आप जुड़े हुए सब क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आज जिस हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है, सबसे पहले मैं जन्मदिन के बारे में जानना चाहूँगा। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो हमारा 45th बर्थडे है, उस पर भी सब समाजवादी लोग उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामनाएं करते हैं और दुआएं करेंगे
आज इस जन्मदिन के माध्यम से कि ईश्वर उनको आने वाली दिनों में, आने वाले सालों में उन्हें राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त कराए, उनकी जो हम समाजवादियों की सारी जो इच्छाएं हैं, जो उनमें आस्था है, उसको वो भी फुलफिल करें। आज जन्मदिन का विषय है तो राजनीतिक कोई बात मैं नहीं करूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी सब समाजवादियों की उनके साथ दुआएं, वो हमेशा राजनीति में बड़े से बड़ा कदम उठाएं, बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां छुएं। इन सब दुआओं के साथ हम दोबारा उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और जय समाजवाद, जय। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दुआओं के साथ सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि उनके साथ दुआएं, और शायद वो प्रधानमंत्री आगे देखना चाहते हैं। मेरे साथ में शिवराम यादव जी हैं। शिवराम जी, कहीं ना कहीं बड़ा हर्ष दिख रहा है, यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस जन्मदिन को? कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति करने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है, और पूरे देश में ये पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। हर जिले स्तर पर, ब्लॉक पर, ग्राम पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के दिन उत्तर प्रदेश के नौजवान भारी खुशी के माहौल में हैं, और हर ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज बहुत ही खुशी का माहौल है, और आज के दिन हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, गरीब विकलांग विधवाओं को मिठाई खिलाना, जेल में भी कैदियों को हम लोग मिष्ठान वितरण करेंगे, और हर जिला मुख्यालय पर आज कार्यक्रम रखा गया है। आज नौजवान बहुत ही खुश है, आज भले ही मुख्यमंत्री नहीं है अखिलेश जी, लेकिन हर नौजवान के दिल में बसे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम ऐसा मानते हैं कि मुख्यमंत्री हजारों साल जिएंगे, और उत्तर प्रदेश और देश के विकास में मुख्यमंत्री अहम भूमिका है। बिल्कुल अहम भूमिका है। मेरे साथ में बिचपुरी के ब्लॉक प्रमुख यशपाल राणा जी मौजूद हैं। यशपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आपके आज युवा दिलों की धड़कन? अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और बड़ा हर्ष दिखाई दे रहा है, आप क्या? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक युवा राजनीति की बात है, अखिलेश यादव एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने युवाओं को राजनीति में, पूरे देश में एक नई उम्मीद, नई ऊंचाइयों को देने का काम किया है। जहां लोगों की विचारधारा थी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर के 50 या 60 साल के लोग काम कर सकते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर नौजवानों को मौका मिले तो उनसे बढ़िया काम करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है। माननीय अखिलेश यादव ने जिस तरीके से नौजवानों की राजनीति के एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है, पूरे हिंदुस्तान में आज हर नौजवान की जो धड़कन है या उनका जो आदर्श है, माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने नौजवानों की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है। हम पूरी समाजवादी पार्टी के लोग उनकी आज जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हमारे लिए ये आज का दिन एक पर्व के रूप में हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मना रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी इसी तरीके से इस देश की राजनीति को एक नया नाम देने का काम करेंगे। भगवती यादव जी हैं मेरे साथ में, जिला सचिव हैं और पार्टी से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं जी, किस नजरिए से देखते हैं आज के जन्मदिन को? देखिए, ऐसा है, पिछली बार तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, जो प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई थी, उसमें कुछ थोड़ा दुख भरा कुछ माहौल था, लेकिन इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारे आगरा जिला कार्यालय में जिस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है युवाओं की, युवा बहुत खुश है। युवा की खुशी का कोई पारंपर नहीं है, और कुछ ऐसे माहौल बना हुआ है जो हमारी सरकार है उसकी कुछ दबी हुई चीजें हैं जो युवा इस तरीके से आज जिला कार्यालय में समाजवादी पार्टी के सभी लोगों ने, कोई सुबह से 6 बजे हॉस्पिटल में खून दे रहा है, कोई कहीं जाके फल वितरण कर रहा है, कोई अनाथालय जा रहा है, आज सभी लोगों ने अपने अपने जिले से, अपने अपने ब्लॉकों से कार्यक्रम बनाए हुए हैं। यहाँ भी यही उद्देश्य है। माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की हमारी तरफ से, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद आपको भी, क्योंकि सामाजिक गतिविधियों में आप पूरी तरह से, शायद पूरा समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं या सैकड़ों लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कोई फल वितरण कर रहा है, कोई कंबल वितरण कर रहा है, कोई शायद ब्लड डोनेशन कर रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जन्मदिन भी ऐतिहासिक जन्मदिन माना जाएगा। तो जिला कार्यालय पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं जिस उम्मीद के साथ ये लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते हैं, तो शायद इनके जो सपने हैं वो साकार होंगे। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।